कर बच्चों, आज हम मुगल वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि जो हम वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें कंटेंट जो है बहुत सीमित है। उसके पीछे उद्देश्य है कि एनडीए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीडीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस में जितने क्वेश्चन जिस लेवल पर पूछे आते हैं उतना ही कंटेंट हमने कलेक्ट करने का प्रयास किया है। इसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहे हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से ज़्यादा कदा क्वेश्चन पूछे आते हैं उन्हीं पॉइंटों को हम लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे हर विषय पे हर कंटेंट पे बहुत सारे डिटेल में छोटे छोटे फैक्ट्स जो है देने का प्रयास किया गया है। लेकिन अदर एग्जाम के लिए खासतौर से जो वनडे एग्जाम है जिसमें फैक्ट पूछा आता है, ठीक है, वहाँ से छोटे छोटे कलेक्शन करके जो है बहुत सारा वो कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपके लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है टोटली जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। अगर आप पूरा अगर देखें, इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके मेडिकल हिस्ट्री से। तो मेडिकल हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन बनना है जिसमें आपका पूरा दिल्ली सल्तनत है, पूरा जो है आपका मुगल पीरियड है, उसके बाद इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम उन चीज़ों को लेकर के चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके टच हो जाएं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कंटेंट छोटे हैं, कंटेंट आपके लिहाज से छोटे नहीं है, आपके लिए बहुत सफिशियंट है। हाँ, वनडे एग्जाम के लिए अगर होगा तो उसके लिए कंटेंट छोटा पड़ेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम को हमने इसे फोकस किया ही नहीं। हमारा फोकस है पूरा का पूरा जो है यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस। इसलिए आपको जो है निश्चिंत होकर के जो है इनको ध्यान से सुनना और समझना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पहले की वीडियो हमने जो है मुगल बादशाह अकबर की चर्चा की थी, और अब तीसरा जो मुगल बादशाह है जहांगीर है। जहांगीर अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में हुई थी। अपनी मृत्यु के पूर्व अकबर ने अपने पुत्र सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और मुगल बादशाह बना। चूंकि जहांगीर भी अपने पिता के ही समान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और उसने अपने पिता की अधूरी जो इच्छा थी, जो पॉलिसी थी, उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो चूंकि अकबर के शासनकाल में दक्षिण को विजित नहीं किया सका था, और उत्तर भारत का एक राज्य था मेवाड़ जिसे मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका था, ऐसी स्थिति में बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अपना ध्यान जो है मेवाड़ की तरफ आकर्षित किया। और मेवाड़ को विजित करने के पहले ही जब वो मुगल बादशाह बना तो उसने अपने शासन का एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना के अंतर्गत उसने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जिसके जो है जिसे आईने जहांगीरी कहा आता है। आईने जहांगीरी का मतलब है कि जहांगीर के शासनकाल में शासन का जो कुछ सिद्धांत था उसको इसने बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अपने शासन की 12 अधिसूचनाएं जारी की थी। 12 अधिसूचनाएं, अधिसूचना का मतलब होता है कि उसने 12 ऑर्डिनेंस जारी किए। क्योंकि उस समय का जो ऑर्डिनेंस था बादशाह के शब्द ही कानून थे, तो उसने यह जो है घोषणा किया कि उसका जो शासन होगा वह किस तरीके से होगा, और उसने एक न्यायपूर्ण, एक न्यायिक शासक बनने का प्रयास किया, न्यायपूर्ण तरीके से शासन करने का प्रयास किया। न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही उसने जो है आईने जहांगीरी के नाम से जो है अपने शासन की 12 अधिसूचनाएं जारी की। एक क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल बादशाह ने अपने शासन की 12 अधिसूचनाएं जारी की थी, चूंकि ये क्वेश्चन बनता है। आपने ध्यान दिया होगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, तो हमारा फोकस ये रहता है कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं
यूपीएससी एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीपीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस में यूपीएससी जिनका भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वहां से जैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को हम संकलित करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस मुगल बादशाह ने बादशाह बनने के बाद अपने शासन की 12 अधिसूचनाएं जारी की, तो उसका जो जवाब होगा, जो उसका आंसर होगा वो जहांगीर होगा। तो ये 12 अधिसूचनाएं महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 12 ऑर्डिनेंस 12 अधिसूचना जारी की थी। इन 12 अधिसूचनाओं में वही था कि वह जो है न्यायपूर्ण तरीके से शासन करेगा, प्रजा के कल्याण की बात करेगा और उसके पिता के द्वारा जो नीतियां लागू की गई थी उन नीतियों को लागू करेगा। जैसे अकबर की जो धार्मिक नीति थी, अकबर की जो राजपूत नीति थी, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अपने पिता द्वारा स्थापित, जहांगीर ने अपने पिता द्वारा स्थापित नीतियों का मतलब जो है पालन किया और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसको उसने लिपिबद्ध किया, एक स्वरूप दिया। अकबर ने ऐसा कोई सूचना मतलब जो है ऐसा ऑर्डिनेंस कभी जारी नहीं किया था, उसके संदर्भ में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे उसने राजपूत नीति घोषणा की, इसका उल्लेख मिलता है, उसने अपने धार्मिक नीति घोषणा की, इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि उसने ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऑर्डिनेंस इसके संदर्भ में आता है। तो बातें वही थी लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक स्वरूप दिया जाना था। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं कि अकबर की जो नीतियाँ थी, चाहे वो राजपूत नीति हो, चाहे धार्मिक नीति रही हो या शासन के संदर्भ में अन्य जो उसकी नीतियाँ रही होंगी, उसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया। उसी स्वरूप को देने के लिए उसने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसे जहांगीर के शासन की अधिसूचनाएं कहा जाता है। तो इसने राजपूत नीति को उसी तरीके से फॉलो किया, धार्मिक नीति को उसी तरीके से फॉलो किया जिस तरीके से इसके पिता अकबर ने फॉलो किया था। उसके साथ साथ न्याय को और सुगम बनाने के लिए इसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एक नया व्यवस्था स्थापित किया। कहा जाता है कि इसने आगरा के किले में एक जो है जंजीर लगवाई और उसमें सोने की 60 घंटियां लगवा दी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल बादशाह ने न्याय देने के लिए या जनता को न्याय देने के लिए आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो उसी पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आगरा के किले में एक जंजीर लगवाई, लोहे की जंजीर, जंजीर लगवाई और उसमें सोने की 60 घंटियां, सोने की 60 घंटियां लगवा दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ऑर्डिनेंस का, दूसरा पॉइंट यहां पे मैं लिख देता हूं लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर लगवाई और उसमें सोने की 60 घंटियां लगवा दी। इसका मतलब ये था कि कोई भी फरियादी जब किले के पास जाता था तो जंजीर जो है बाहर रहती थी, उस किले जंजीर को खींचता था तो घंटियां बजती थी, जब घंटियां बजती थी तो उस फरियादी को जो है राजा के समक्ष जो है बुलाया जाता था, फिर वह व्यक्ति राजा से या बादशाह से अपनी फरियाद रखता था। तो हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा समझने के लिए, याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है बस, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि किस मुगल बादशाह ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई, या कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ जाता है कि जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी उसमें कितनी घंटियां लगी हुई थी। दोनों पॉइंट यहाँ पर हमने फोकस किया हुआ है कि जहांगीर ने लोहे की, आगरा के किले में लोहे की एक जंजीर लगवाई और जिसमें सोने की 60 घटियां लगी हुई थी। तो यह मतलब उसका शासन करने का अपना एक तरीका था, उसको जनता के साथ वह न्याय दिलाने के लिए या जनता को, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उसने अपना एक तरीका अपनाया जिसको जो है आप आगे देखेंगे। तो अब इसके बाद जब उसने विधिवत तरीके से अपना राज्याभिषेक भी कर लिया, अपना अपना ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया, तब उसका ध्यान मेवाड़ की तरफ गया। अब चूंकि उस मेवाड़ मुगलों के लिए चुनौती था
अकबर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को विजित करने के लिए अथक प्रयास किया। मैंने चर्चा भी किया था कि 1576 ईस्वी में उसने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से जो है बहुत संघर्ष किया, लेकिन जो मुगल सैनिक थे वे मेवाड़ के किले को विजित नहीं कर पाए। उसके बाद अकबर को अपनी सेना लेकर के वापस लौटना पड़ा। इसके बाद अकबर को मौका ही नहीं मिला कि वह मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण कर सके। बाकी क्षेत्रों में उसने बहुत पूरा उत्तर भारत लगभग विजित ही कर लिया था। तो अकबर की जो ये विजय थी अधूरी रह गई थी। जब जहांगीर बादशाह बना तो बादशाह बनने के बाद उसने अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने जो है अपनी पालसी बनाई और उसने मेवाड़ के किले को घेरना शुरू कर दिया। तो 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के किले पर आक्रमण किया, लेकिन वह उसे विजित नहीं कर पाया। 1608 9 और 11 ये तीनों तिथियां लिख लीजिए। 1608 1609 और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ पर लगातार आक्रमण किया, लेकिन उसे तीनों बार विजय नहीं मिल पाई। मुगल और मुगलों ने बड़ी ताकत के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया, उतनी ही ताकत उतनी ही शक्ति के साथ जो मेवाड़ के राजपूत थे उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया और स्थिति ये हुई कि भयंकर युद्ध हुआ। जहांगीर के शासनकाल में भी मेवाड़ को लेकर के भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन न तो मुगल मेवाड़ पर अधिकार कर पाए और न ही मुगल जो है राजपूत मेवाड़ के शासकों को पराजित कर पाए। ऐसी स्थिति में मुगल और मेवाड़ के सैनिक युद्ध करते करते थक भी चुके थे। 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि वार्ता प्रारंभ हुई। इसमें प्रमुख भूमिका जो थी इसमें प्रमुख भूमिका राजपूत शासक अजीत सिंह की थी। अजीत सिंह के माध्यम से मुगल और मेवाड़ के बीच संधि वार्ता प्रारंभ हुई और संधि वार्ता के बाद मुगल और मेवाड़ के बीच 1615 ईस्वी में संधि भी हो गई। क्वेश्चन पूछाता है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी 1615 ईस्वी में। एक छोटा पॉइंट है, क्वेश्चन आने वाला नहीं है लेकिन कभी कभी बन भी सकता है तो आपके दिमाग में रहेगा। तो 1615 ईस्वी में संधि हो गई। अब ये जो संधि हुई थी संधि की कुछ शर्तें रखी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी उस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। ये पॉइंट नोट करने लायक है। तो प्रमुख शर्तें मुगल और मेवाड़ के बीच जो सन 1615 ईस्वी में हुई इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, एक क्वेश्चन आता है। प्रमुख शर्तें क्या थी। पहली शर्त थी कि मेवाड़ के शासक चित्तौड़ के क्षतिग्रस्त किले का पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे। मेवाड़ के शासक चित्तौड़ के क्षतिग्रस्त किले का पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे।
ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि मुगल बादशाह, मुगल बादशाह राणा शासक अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए, मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट था कि अमर सिंह के पुत्र, अमर सिंह के पुत्र राणा करण सिंह को मुगल दरबार में पांच हजार का मनसब दिया जाएगा, मनसब दिया जाएगा। इसको मैंने लिख दिया कि क्योंकि यही क्वेश्चन आजकल बन रहा है, जब भी क्वेश्चन बन रहा है तो मुगल और मेवाड़ के बीच 1615 ईस्वी संधि थी, ये बात बहुत सार्वजनिक हो गई, लगभग सभी को पता रहता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया कि जो 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई, उस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी, इन शर्तों को मिल गई, इसी पे क्वेश्चन आता है। इसे लिखा जाएगा कि मुगल और मेवाड़ के बीच जो 1615 में संधि, उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, जो कथन में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट जो है मुगल और मेवाड़ जो पैक्ट हुआ था। इस तरीके से तीन स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें फिर जो पैटर्न है आपका, एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, ठीक है, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे बता देना जरूरी है कि अकबर के समय महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी उनका पुत्र राणा अमर सिंह हुआ। जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया या मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसी तरीके से राणा अमर सिंह ने भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी को ध्यान में रख करके जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने मुगलों को, उसने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को चुनौती दी और उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन राणा अमर सिंह ने मुगलों को उसी तरीके से प्रोटेस्ट किया, उसी तरीके से उनको जो है डिफेंड किया और भयंकर युद्ध किया। ऐसी स्थिति आ गई कि मुगल और मेवाड़ दोनों के जो सैनिक थे वो युद्ध करते करते थक चुके थे। ऐसी स्थिति में संधि वार्ता प्रारंभ हुई और संधि के बाद ये बातें निकल करके आई। तो अब संधि के तहत ये बातें आई तो राणा अमर सिंह ने कहा, भाई देखिए हम मुगल दरबार नहीं जाएंगे, अगर मुगल बादशाह हमको मुगल दरबार पर से बात करेगा तो ये संधि नहीं होगी। तो हुआ कि मुगल बादशाह मान गया कि ठीक है, उनको बाध्य नहीं करेंगे। तीसरी बात उन्होंने रखी कि उनके भी पुत्र राणा करण सिंह को मुगल दरबार में एक ओहदा मिले, एक उनको जो है मनसब मिले। मनसब क्या है हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो बताएंगे डिटेल में उसको, और उसको बताएंगे। एक पद होता है, पद से रिलेटेड था, मनसब जो धारण कर उसे मनसबदार कहते थे। तो इस प्रकार से अब 1615 ईस्वी में जब मुगल और मेवाड़ के बीच संधि स्थापित हो गई तो फिर इस संधि के बाद मुगल और मेवाड़ के लंबी शांति भी स्थापित हो गई। अब उत्तर भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो मुगलों को चुनौती दे सके या जो क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग न हो। ऐसी स्थिति में अब जहांगीर ने अपनी दक्षिण नीति बनाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहांगीर की दक्षिण नीति, जहांगीर की दक्षिण नीति, एक क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने दक्षिण नीति का निर्माण क्यों किया। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं,
कि अपने पिता अकबर की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए या उसकी अधूरी नीति को पूरा करने के लिए जहांगीर ने अपनी दक्षिण नीति का निर्माण किया। लक्ष्य वही था कि जो दक्षिण भारतीय राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन तीनों राज्यों को विजित करके मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए, यही उसका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को लेकर के अकबर ने दक्षिण पर आक्रमण किया था, वह उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जहांगीर भी उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अपनी दक्षिण नीति का निर्माण किया। तो ध्यान देना है कि जहांगीर की दक्षिण नीति का उद्देश्य क्या था। तो जहांगीर की दक्षिण नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि वह अपने पिता के अधूरी नीति को पूरा करे या दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित करके मुगल साम्राज्य में मिलाए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अपनी दक्षिण नीति का निर्माण किया। 1615 ईस्वी में जब उत्तर भारत से वो खाली हो गया तो उसने अपना ध्यान जो है दक्षिण की ओर आकर्षित किया। उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर आकर्षित किया और उसके बाद उसने 1618 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर का घेरा डाला। क्योंकि अहमदनगर, जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगल दरबार में उपहार भिजवाए थे, बहुमूल्य उपहार भिजवाए थे, और अहमदनगर ने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। जब अकबर ने दक्षिण भारतीय राज्यों के यहाँ पर राजदूत भेज करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा था, और जब अहमदनगर ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी इसीलिए अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। वही स्थिति अभी यहाँ बनी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जहांगीर ने अहमदनगर राज्य के किले का घेरा डाला। 1618 ईस्वी में वो दक्षिण गया और उसने अहमदनगर के किले के चारों तरफ मुगल सैनिकों को लगा दिया, मतलब अहमदनगर के किले को घेर लिया गया। 3 महीने तक मुगल सैनिक अहमदनगर के किले को घेरे रखे। चूंकि अहमदनगर का किला दक्षिण भारत का सबसे मजबूत किला था इसलिए मुगल सैनिक अहमदनगर के किले को भेद नहीं पाए। उसके बाद जहांगीर का पुत्र खुर्रम अपनी सेना लेकर के दक्षिण पहुंचा। दक्षिण पहुंचकर उसने अहमदनगर के उस रास्ते को खोज निकाला जहां से रसद सामग्री किले के भीतर पहुंचाई जाती थी, और उसने उस मार्ग को बाधित कर दिया। जब मार्ग बाधित हो गया तो किले के भीतर रसद सामग्री पहुंचना बंद हो गया। उसके भीतर जो सैनिक थे, जो घोड़े थे या जो रिसोर्सेस थे उसकी कमी पड़ गई। जब कमी पड़ गई तो अहमदनगर के किले ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से अहमदनगर मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। इसी अवसर पर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछाता है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब दी थी। इसका आंसर होगा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर जब दक्षिण गया, अहमदनगर किले का घेरा डाला, उसके सैनिक 3 महीने तक अहमदनगर किले को घेरा डाले रखे लेकिन वे अहमदनगर के किले को विजित नहीं कर पाए। उसके बाद उसका पुत्र खुर्रम अपनी सेना लेकर के दक्षिण भारत गया। उसने अहमदनगर के उस मार्ग को खोज निकाला जहां तक सामग्री के भीतर जाती थी। उसके बाद अहमदनगर किले को विजित किया गया। इस अवसर पर यह खुर्रम की जो बुद्धिमत्ता थी, जो उसकी सैनिक प्रतिभा थी, वह उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण था कि उसने जो है अपनी प्रतिभा को दिखाया। इसी से बादशाह खुश होकर के उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। चूंकि एक क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब दी थी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि दी थी। जब अहमदनगर के किले को विजित कर लिया गया उसके बाद मुगल सैनिक धीरे धीरे वापस आ गए। 1620 ईस्वी तक जहांगीर दक्षिण से वापस आ गया। अब जब 1620 से वापस आ गया तो फिर जहांगीर को अपने जीवन काल में फिर दक्षिण जाने का मौका नहीं मिला।
फिर वही स्थिति आ गई कि दक्षिण की विजय जहांगीर के शासनकाल में भी अधूरी रह गई, और जैसे मुगल सैनिक वापस आए, जो अहमदनगर था उसने अपनी स्वतंत्रता को पुनः घोषित कर दिया। एक बात हम आपको बताएं, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वह बहुत ही प्रतिकूल थी। दक्षिण भारतीय राज्यों को विजित कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वो तभी तक किसी राज्य क्षेत्र के अधिकार में आ सकते थे जब तक वहाँ पर लगातार सैन्य अभियान चल रहा हो। जैसे ही सैन्य अभियान वहाँ पर खत्म होता था, वहाँ के जो शासक थे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार किसी भी सैनिक के, किसी भी सैनिक समूह के, किसी भी राजा के वापस जाने के बाद दोबारा उसके लिए यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण होता था। कारण क्या था? वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार लंबे समय तक आक्रमण कर पाना वह बहुत असंभव था। ऐसी स्थिति में जब मुगल सैनिक वापस चले गए तो अहमदनगर ने अपनी स्वतंत्रता पुनः घोषित कर दी। दूसरा, जब जहांगीर वापस लौट करके आया तो यहाँ पर उसे कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1623 ईस्वी में उसके पुत्र शाहजहां ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1626 ईस्वी में महावत खान ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐसी स्थिति में वह इन विद्रोहों के दमन में लगा रहा, और उसे उसे जो है दक्षिण भारत जाने का मौका ही नहीं मिला। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर को दक्षिण भारत, जब उसने अहमदनगर के किले को एक बार विजिट किया तो दोबारा उसे दक्षिण भारत जाने का मौका क्यों नहीं मिला, तो उसमें एक कारण आपको दिखाने पड़ेंगे कि शाहजहां का विद्रोह हुआ, जो उसका मतलब जो मीर बख्शी था, जो प्रमुख सलाहकार था जिसे आप कह सकते हैं, महावत खां, उसने उसको जो है विद्रोह किया। ऐसी स्थिति में वह उन्हीं विद्रोहों को शांत करने में लगा रहा, और उसके बाद जो है आगे चलकर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे दक्षिण भारत जाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा नूरजहां की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं नूरजहां। नूरजहां इसका नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां जो जिसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने कई विवाह किए थे, उनमें से एक विवाह यह भी था। तो चूंकि नूरजहां का थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस है, इससे कभी कभी नूरजहां पे कोई क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नूरजहां क्या थी। ठीक है? तो नूरजहां के जो माता पिता थे वे अकबर के शासनकाल में अफगानिस्तान से भारत आए थे आर्थिक तंगी के कारण, और वे जो लोग जब फतेहपुर सीकरी पहुँचे तो उनकी योग्यता को देख करके अकबर ने उन्हें मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। आगे चल करके वे जो है मुगल साम्राज्य में जो है एक महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे। ठीक है? तो यहाँ पे देखना जरूरी है कि नूरजहां का जो बचपन था, जब उसके माता पिता आ रहे थे तो रास्ते में इसका जन्म हुआ था। और नूरजहां के बारे में कहा आता है कि वो बहुत सुंदर थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके सुंदरता की चारों तरफ चर्चा होने लगी। तो उस समय जो सलीम था, बादशाह था, तो वह उसे प्यार भी करने लगा, ऐसा कहा जाता है। उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अकबर ने इस विवाह को इजाज़त नहीं दी। और उसने मेहरुन्निसा तब थी, मेहरुन्निसा का विवाह जो है अकबर ने ही एक अफगान सैनिक अली कुली खां से करवा दिया था, और उससे उसकी एक लड़की भी पैदा हुई थी जिसका नाम एक लड़की पैदा हुई थी। और आगे चल करके जब मेवाड़ सैन्य अभियान के दौरान अली कुली खां की मृत्यु हो गई, अली कुली खां की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा जब विधवा हो गई, तो जहांगीर ने उसे दरबार में नौकरानी के रूप में राजमहल में अपॉइंट कर दिया। और आगे चल कर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से मेहरुन्निसा से विवाह कर दिया और उसे नूरजहां की उपाधि दे दी। ये एक छोटे से संक्षिप्त इसका परिचय है। अब जब नूरजहां या मेहरुन्निसा
जब मुगल महारानी बन गई तो उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी। अब उसने जो है मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसने अपने माता पिता और भाई के साथ मिल करके एक गुट बनाया जिसे जिंता गुट कहा जाता है, और उसमें उसने खुर्रम को भी सम्मिलित किया था, क्योंकि वह खुर्रम के साथ अपनी पुत्री जो अली कुली खां से उत्पन्न हुई थी उसका विवाह करना चाहती थी और उसे अगली मुगल महारानी बनाना चाहती थी। यह उसकी महत्वाकांक्षा थी। इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने जो है एक षड्यंत्र तैयार किया, और उस षड्यंत्र के तहत उसने 10 साल तक मुगल राजनीति में हस्तक्षेप किया। चूँकि जो जहांगीर था वह नूरजहां पर पूरी तरह से मतलब जो है फिदा था, राजनीतिक कार्यों को भी उसने उस पर जो है अधिकार दे दिए थे। उसने एक जगह लिखा हुआ है कि नूरजहां से विवाह करने के बाद उसने समस्त राजनीतिक अधिकार नूरजहां को सौंप दिए हैं। तो ऐसा जो इसका स्टेटमेंट आता है, इससे पता चलता है कि जो जहांगीर था उसने नूरजहां को महत्वपूर्ण अधिकार दे करके अपने आप को राजनीति से लगभग जो है अलग थलग भी कर लिया था। ऐसी स्थिति में जब मौका मिला तो नूरजहां ने इस जो राजनीतिक अधिकार उसको मिले हुए थे उसका मिसयूज भी किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं रही। कहा जाता है कि नूरजहां ने लगभग 10 वर्ष तक मुगल राजनीति में हस्तक्षेप किया और मुगल राजनीति में हस्तक्षेप किया और 10 साल तक वह अपनी इच्छा अनुसार स्थितियों को संचालित किया, लेकिन वो जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसमें वह सफल नहीं हो पाई। वह अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां से नहीं करा पाई और न ही उसे वह मुगल महारानी बना पाई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो रोल है, इसमें नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, वह इसका विरोधी हो गया था, क्योंकि आसफ खां की जो पुत्री थी मुमताज, जिसको इसने शाहजहां ने ताजमहल की उपाधि दी थी, तो मुमताज से विवाह खुर्रम का हो गया। ऐसी स्थिति में नूरजहां चाहती थी कि उसकी पुत्री का नाम लाडली बेगम था, जिसका विवाह जो है वह खुर्रम के साथ करना चाहती थी। इसका मतलब भाई बहन में एक ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। वो चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह हो, या आसफ खां चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह शाहजहां से हो, नूरजहां चाहती थी कि उसकी पुत्री का विवाह खुर्रम के साथ हो। ऐसी स्थिति में आसफ खां इसमें सफल रहा। आसफ खां ने अपनी पुत्री मुमताज का विवाह खुर्रम से कर दिया और आगे चल करके वह अपनी बहन नूरजहां का विरोधी हो गया, और अंतोगत्वा आसफ खां सफल हुआ और नूरजहां को असफलता मिली। तो यहाँ पर अब आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने चर्चा किया था कि 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया था, इसको नोट कर देते हैं, 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह किया और 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह किया। दो महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे जहांगीर के शासनकाल में, एक खुर्रम का 1623 में और महावत खां का 1626 में। हालांकि जहांगीर ने जब इन लोगों ने विद्रोह के बाद बादशाह के समक्ष समर्पण किया तो उसने खुर्रम को भी माफ़ कर दिया था, महावत खां को भी माफ़ कर दिया था। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय जो खुर्रम था वह दक्षिण भारत में सैन्य अभियान पर था। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई उसके ससुर आसफ खान ने खुर्रम के पास संदेशा भेजा कि वह जल्द से जल्द राजधानी में उपस्थित हो। खुर्रम की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके नूरजहां ने अपनी पुत्री जो लाडली बेगम
और उसका पति था सहर यार। कहा जाता है सहर यार भी जहांगीर का ही पुत्र था, हालांकि इसका नाम कम आता है लेकिन इतिहासकार कोई बताते हैं। तो उसने सहर यार उसका दामाद हुआ, तो खुर्रम की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके जो नूरजहां थी, नूरजहां ने सहर यार को लाहौर में मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब इसको बात समझिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो खुर्रम है वह दक्षिण भारत में सैन्य अभियान पर था, लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई थी, जहांगीर की मृत्यु के बाद लाहौर में ही नूरजहां ने जो उसकी पुत्री लाडली बेगम थी जिसका पति था सहरयार, कहा जाता है कि सहरयार भी जहांगीर का ही पुत्र था, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। किस पत्नी से उत्पन्न हुआ था उस पर मतभेद है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जहांगीर का पुत्र था। ऐसी स्थिति में वो अभी उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, इसी का फायदा उठा करके या खुर्रम की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके नूरजहां ने सहरयार को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। यहां पर आगरा में जो आसफ खां था उसने खुर्रम के पास संदेशा भिजवाया कि वह जल्द से जल्द राजधानी में उपस्थित तो हो, क्योंकि बादशाह की मृत्यु हो चुकी है। बीच में ही जो खुर्रम था अपना सैन्य अभियान छोड़ करके वापस लौटा, इस बीच आसफ खान ने लाहौर पर आक्रमण किया, आक्रमण करके उसने सहरयार को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुर्रम जो था वो आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचने पर खुर्रम ने अपना राज्याभिषेक कराया और उसकी अनुपस्थिति में आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दावर बख्श को मुगल बादशाह बनाया था। खुसरो के पुत्र दावर बख्श को मुगल बादशाह बनाया था, तो इस दावर बख्श की खुर्रम ने हत्या कर दी, उसके बाद अपने आप को मुगल बादशाह घोषित किया। जब वह मुगल बादशाह घोषित हुआ उसने शाहजहां की उपाधि धारण की, उसके बाद वह लाहौर गया। लाहौर जाकर के उसने अपनी सौतेली माँ नूरजहां से लाहौर में शांतिपूर्वक रहने को कहा। कहा जाता है कि उसके बाद नूरजहां जो है लाहौर में ही शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। खुर्रम ने उसके लिए 1,00,000 रुपये वार्षिक पेंशन की व्यवस्था कर दी और फिर 1646 ईस्वी में नूरजहां की लाहौर में ही मृत्यु हो गई। तो ये नूरजहां का एक छोटा सा रोल इसमें आता है। तो कभी कभी कुछ नूरजहां पे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो नूरजहां के बारे में एक और है कि नूरजहां की जो माँ थी असमत बेगम, नूरजहां की माँ असमत बेगम, इसने इत्र का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा आता है इत्र का आविष्कार किया था, इत्र मतलब परफ्यूम, इत्र का आविष्कार किया था। और जो नूरजहां थी यह भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो यह एक अच्छी डिजाइनर थी। ठीक है, नूरजहां भी एक अच्छी डिजाइनर थी और वह भी जो है जो सौंदर्य प्रसाधन थी उसमें बहुत रुचि लेती थी। और नूरजहां को, नूरजहां का नाम ही मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा को जहांगीर ने ही नूरजहां की उपाधि दी थी। तो इस पे कभी कभी इत्र का आविष्कार किसने किया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल महिला थी जो है सौंदर्य प्रसाधन में जो है रुचि रखती थी या आज के डेट में वह एक डिजाइनर के रूप में थे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी बातें जो है नूरजहां से रिलेटेड है, आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी लाडली बेगम और सहरयार का भी जिक्र आता है कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर की मृत्यु के बाद जब खुर्रम आगरा में नहीं था तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठा करके नूरजहां ने किसे मुगल बादशाह घोषित किया था, कहां पर घोषित किया था, ऐसे क्वेश्चंस कुछ मतलब यहां पे बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट से यहां पे क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान से सुनना है और इसको दिमाग में बैठाना है। इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करना चाहूंगा कि जो सहरयार था, जो सहरयार था वो जहांगीर का ही एक पुत्र था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, लेकिन किस रानी से उत्पन्न हुआ था इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, तो चूंकि जो नूरजहां थी, जो उसकी पत्नी, जो उसकी पुत्री थी, जो अली कुली खां अफगान से उत्पन्न हुई थी,
उसका नाम था लाडली बेगम। वह नूरजहां चाहती थी कि वह लाडली बेगम को मुगल महारानी बनाए। ऐसी स्थिति में पहले तो वह खुर्रम के साथ उसका विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब खुर्रम ने उसके साथ विवाह नहीं किया तो उसने शहरयार से उसका विवाह करके अब शहरयार को मुगल बादशाह बनाने का स्वप्न देखने लगी। और खुर्रम की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके उसने लाहौर में शहरयार को मुगल बादशाह घोषित भी कर दिया, लेकिन नूरजहां के भाई ने उसके इस सपने को पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि वह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम जो शाहजहां था वह मुगल बादशाह बने। ऐसी स्थिति में दोनों बहन भाई के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में आसफ खान ने अपनी बहन को पराजित किया या उसके सैनिकों को पराजित किया और उसने शहरयार की हत्या भी कर दी। उसके बाद जब जहांगीर उसके बाद जब खुर्रम आगरा पहुंचा तो खुर्रम का विधिवत आगरा में राजा अभिषेक हुआ, उसने शाहजहां की उपाधि धारण की। और उसके बाद वह खुर्रम जो था वह लाहौर गया। लाहौर में जाकर के उसने नूरजहां से शांतिपूर्वक रहने को कहा, जहां पर शांतिपूर्वक रहते हुए 1646 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हुई और उसके बाद उसे वहीं पर लाहौर में जहांगीर की कब्र के बगल में उसे दफना दिया गया। इसको भी नोट कर लीजिए। ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु लाहौर में हुई। और वहीं पर उसे जहांगीर की कब्र के बगल में दफना दिया गया। तो ये हो गया, नूरजहां हो गया। तो इस तरीके से जहांगीर और नूरजहां इनका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।